नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 543 लोकसभा सीटों पर कुछ ही सीटें ऐसी हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसमें दिल्ली की 4 सीटें हैं। मैं नई दिल्ली लोकसभा सीट जी बोलिए। वी आर जस्ट वॉचिंग योर वीडियोस डेली एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। तो हिंदी बोल सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्रेंच में ही बोल सकती हूँ। आप क्या करती हो? मैं फिलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ और इससे पहले मैं कॉर्पोरेट में वर्किंग थी। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी का? चलिए, आप देखती हैं और आपकी उम्र के लोगों का न्यूज़ में इंटरेस्ट है, इस ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है एंड लाइक थ्रू यू, लाइक आपके ज़रिए ये जो लोग हैं एक अच्छा नया पर्सपेक्टिव देख पाएंगे देश का, वो बड़ी बात है। तो आप क्या सोचती हैं देश? अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया कि आप आ गई। मैंने देखा कहीं मिलेंगे तो मैं हाय ज़रूर बोलूँगी। नहीं नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है देश के सियासी माहौल पर? आप तो यंग है। मैं आज यहाँ इसलिए आया कि देश में मिडिल क्लास बहुत ये बात कहता है कि देखो सारी सरकारें गरीब लोगों को तो अनाज दे रही, उनके अकाउंट में पैसे दे रही, अमीरों के कर्जे माफ़ कर रही, उनको बिजनेस में तमाम तरह के फ़ायदे सब सरकार सब पार्टियां करती हैं, लेकिन ये जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा टैक्स यही देता है, सबसे ज़्यादा महंगाई की मार इस पे है, यही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेता है, यही लोगों को इलाज कराने के लिए भी लोन लेता है। मिडिल क्लास के लिए देश के लोग कब सोचेंगे? देखिए, टैक्स तो सभी लोग देते हैं। बोलिए मैम, आपके साथ फोटो खिंचाना है मुझे। अरे देखिए ना, फोटो हो जाएगा, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। रोज देखती हूँ, रोज देखती हूँ। अरे बहुत इस बात का शुक्रिया, आप देखती है। तो अच्छी बात तो ये हो गई कि महिलाएं सीपी में घूम रहे थे। हाँ, मैं इधर ही उधर घूमता रहता हूँ, कल सीपी में था। तो अच्छी बात तो ये है कि चलिए मेरे जरिए सही बच्चियाँ महिलाएं देश की राजनीति के बारे में इंटरेस्ट ले रही हैं, देख रही हैं, सोच रही हैं। तो मैं अभी बच्ची से एक सवाल कर रहा था, उसका जवाब आप भी दीजिएगा कि मिडिल क्लास क्या सोचता है। मिडिल क्लास के लिए देखिए, सबसे पहला जो होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग होना चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, उसी में डेवलपमेंट चाहिए मिडिल क्लास को। और रही बात टैक्स की, यार टैक्स तो सारे देते हैं, कोई डायरेक्टली देता है, कोई इनडायरेक्टली देता है, ठीक है। मेन जो फोकस है एजुकेशन। ये बात सही है, मिडिल क्लास के लोग ये बात बहुत हाईलाइट करते हैं, हम टैक्स देते हैं। अरे वो किसान भी टैक्स देता है, गरीब आदमी भी देता है, हर जगह टैक्स देते हैं। आप एक पेंसिल भी खरीदते हो, आप टैक्स जाता ही जाता है, पर वो इनडायरेक्टली जाता है, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है जिस हिसाब से डेवलपमेंट अभी आना चाहिए वो नहीं आया है। अरे मोदी जी कह रहे हैं जो काम 70 साल में ना हुआ देखो हम कर रहे हैं। GDP पर कैपिटा क्या है? वो तो कह रहे हैं पर कैपिटा क्यों नहीं है, पर कैपिटा इनकम होगी। एम्प्लॉयमेंट फ्री कर दिया, लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। मैडम मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ और मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैडम टैक्स सारे देते हैं, आपको पता है टैक्स सारे देते हैं, डायरेक्टली भी देते हैं, इनडायरेक्टली भी देते हैं। तो डायरेक्टली की बात करें, मैं तो डायरेक्टली दे रही हूँ। मैं 2-2 लाख रुपए टैक्स में देती हूँ। सुनो एक एक करके करते, आप मुझे बताओ कि कॉर्पोरेट में वर्किंग थी, ठीक है, इससे पहले जब मैं प्रिपरेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है। बट अगर आप जॉब सिक्योरिटी की बात देखोगे अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे जॉब आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे? और जो आप बोलते हैं डंका बज गया, ठीक है, कहाँ का डंका आप मुझे बताओ ना, कौन सा डंका कहाँ बजा है? मुझे मोदी जी के नाम का डंका नहीं बज रहा देश दुनिया तो कहाँ पर वो मैडम वो सारी सर्विसेज हैं। जियो पॉलिटिक्स का आपने शायद नाम सुना होगा, सब वही चीज मैडम सब था। डिजिटलाइजेशन नहीं था मैडम, डिजिटलाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, IT सेल नहीं थी। तो तुमको लगता है सोशल मीडिया से सब हो रहा है? अरे आप सर बताइए, बच्चों को आपने रील्स बनाने में बिजी रख रखा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो अपना, क्यों मजाक मैडम? वो जो डिजिटलाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, कोई जब काम करता है ना, जब एक IAS ऑफिसर, बुराई नहीं करते मैडम, लॉजिकल की बात करते हैं। आप क्या कहना चाह रही, इस बच्चे की बात आपने सुनी, आपको क्या एतराज इनसे? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के नेताओं को जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इतना करप्शन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। मैंने भाई बोलने तो दो, मैडम का जवाब फैक्चुअल नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आज का सबसे बड़ा
स्कैम है मैडम अभी तक। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानती हैं? मैंने देखा है कि ये बैन करा दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये दे आर नॉट लीगल, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया, देखिए बहुत सारे लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बहस होती है तो उसमें मैं एक मिनट बता दूं, एक मिनट में बता दूं, तरीके से दूसरी तरीके से कुछ ना कुछ लेन देन कर ही लेंगे, वो बंद हो गए तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, वो हमारा लुकअप नहीं है। हमारा लुकअप है कि हम कैसे देखे जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, हम कैसे देखे जा रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया के लिए, एक देश कैसे आगे बढ़ रहा है। एक बात बताइए, हम लक्ष्मी नगर, ये लाजपत नगर दिल्ली में बैठकर ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिएटल में हमको या हमारे देश को लोग कैसे देख। किसी ना किसी का रिश्तेदार, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे कजन्स बैठे हुए हैं, मेरे वो बताते हैं हमें कहाँ पर है आपके कजन्स। मेरे कजन्स नॉर्वे में हैं, मेरे कजन न्यूजीलैंड में हैं, मेरे कजन्स यूएस में हैं। छोड़िए इससे बात, ये आप दिल्ली, आप बताइए दिल्ली में अभी चुनाव होना है और ये कैंडिडेट्स घोषित, मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया कि इस देश का मिडिल क्लास क्या सोचता है। मैं क्या सोचती हूँ एज ए मिडिल क्लास पर्सन, देखिए इतनी ज़्यादा चोरियाँ होने लगी हैं, क्यों? क्योंकि हर दूसरी जगह ठेला लग गया है हमारे आईपी एक्सटेंशन में, आईपी एक्सटेंशन में इधर उधर हर जगह ठेला, जबकि वो राष्ट्रीय मुद्दा की बात करें, आप यहाँ ठेला रेहड़ी पटरी या चोरी बताने, बीइंग अ मिडिल क्लास अनसेफ होगी है दिल्ली थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है। तो दैट इज कम्स अंडर, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, महिलाओं की चेन स्नैचिंग दिल्ली में हो रही है जो कि बहुत पहले सुना करते थे, अब फिर से होने लगा है। और आप बताओ मिडिल क्लास का मुद्दा तुम्हारी समझ से क्या है मेन? आई एम इन मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग ऑब्वियसली फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड समथिंग लाइक दैट। सो सबसे पहले तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कह रहे मोदी जी अभी का, सुनो आप यूपी का बताओ मुझे कौन सा एक नया हाईवे बताओ, वो बताओ, देश की बात हो रही है, देश की, एक किसी कंट्री की नहीं, किसी प्रस्पेक्टिव की नहीं, देश की। अभी आप बताओ, मोदी जी ने कल ही बोला है या शायद आज ही बोला कि 70 साल में 10,000 किलोमीटर हाईवेज बने और हमारे 10 साल में 6,000 किलोमीटर हाईवेज बने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट का कहाँ कहाँ का रिपोर्ट? मैडम मैं एम्प्लॉय, मैडम मैं एक नया सिटीजन हूँ, मैडम मैं जाती हूँ, मैं गाड़ी आजा चलो, कितनी स्मूथली पहुँचते हो। अरे लखनऊ था एक माया ने बनवाया, एक अखिलेश ने बनवाया। हाँ जी आप कहाँ से?